एक मिनट भैया, आपने पता क्या करना है, ये जो आपके पास चादर है ना, है ना, इसको डालकर आपने छलांग मारनी है। डांट है भाई, बहुत डांट है भाई। इस चादर को आपने डाल के छलांग मारनी है। ठंडी जॉय करो यार। ओए पाजी, बहुत डांट है भाई। ओ ना यार, ओए तू मरासी हो पाजी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं सब लोग, उम्मीद करता हूँ खैरियत होंगे। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर जल्दी से पहले लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज तो जी अभी अभी हम बाहर आए हैं कमरे से, तो बाहर आके क्या देखते हैं, मौसम जो है फुल रोमांटिक हुआ पड़ा है। रात को हुई है बारिश और मौसम, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो चुका है। आपको मैं उसका मौसम का व्यू भी दिखाता चलूं कि क्या ही नज़ारे। तो ये देखें, मुझे लगता है अभी भी कहीं बारिश के आसार नज़र आ रहे हैं। मौसम जो है बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हुआ पड़ा है, बारिश के आसार अभी भी नज़र आ रहे हैं। और जी अभी थोड़ी सी बारिश होकर हटती है तो हमारी गली का साथ ही हाल हो जाता है। ये वाला आप देख सकते हैं कि ये पानी वगैरह खड़ा हो चुका होता है। अभी तो बारिश कम हुई है, अगर तो होती कोई ज़्यादा तो यहाँ से वहाँ तक एक दरिया बन जाना था, दरिया जिसमें मेंढक वगैरह टर 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 करते रहते हैं। तो आज तो फिलहाल बारिश नहीं हुई ज़्यादा, तो इस वजह से बचत हो गई है। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी दुल के पौधे वगैरह कितने खूबसूरत हो चुके हैं। और मौसम का भी व्यू मैंने आपको दिखा दिया और सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। आप जा रहे हैं नहाने इस सर्दी के ठंडे ठंडे मौसम में, बब 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 मेरा तो बब 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 पहले ही होने लग गया है। तो चलते हैं नहाने के बाद, आपको मिलते हैं तो क्या सूरत हाल होती है नहाने के बाद देखते हैं। अभी तो पानी भी गैस भी नहीं आ रही, तो ठंडे पानी से ही नहाना पड़ेगा हमें। तो चले जा। तो जी जैसे ही मैं नहाने जा रहा था तो मुझे याद आया हमारा तो होने वाला है खत, कल जुम्मा भी है, तो इस वजह से पहले जाकर खत करवाएं और उसके बाद आके नहाते हैं फिर। Two hours later. तो जी अभी अभी हम नहा कर निकले हैं, तो अब तैयार होने लगे हैं दरबार पे जाने के लिए। पाक पतन जाना है, दरबार पर हाजिरी देनी है। सब दोस्त कज़न वगैरह इकट्ठे हो चुके हैं, तो अभी हम तैयार होकर उन्हीं की तरफ निकलेंगे। तो जी हम हो चुके हैं पूरी तरह से रेडी और अब हम निकलने लगे हैं पाक पतन की तरफ, और जाकर देखते हैं कौन कौन आ चुका है। और सब लड़के देखे जाकर आ चुके हैं कि अभी भी कोई लेट है, तो वो तो वहीं जाकर पता चलेगा। तो अभी फिलहाल चलते हैं वहाँ और जाना ही जाना है। तुम गड्डियां देखने टाइम से फिर 11 बजे लगे, फिर आज भी कोई बहाना चलना तेरा। यार देखो हुन मोबाइल छोड़ दे, सीरियस गल हो रही है, मोबाइल छोड़ दे। अरे इकट्ठे हो चुके हैं जाने के लिए, अभी प्रोग्राम अभी तक नहीं इनका फाइनल हुआ कि क्या करना है। तो टाइम हो चुका है, 10 बज चुके हैं अभी, तो अभी और टाइम भी अभी मजीद लग सकता है, लेकिन अभी पता नहीं पता क्या बन गया प्रोग्राम। काल मार दियो। और नहीं तुसी नहीं जाना, इधर जाना किसी ने नहीं है, इधर को जाना नहीं है किसी ने, घर चलना, कोई नहीं जाना, जाना कोई नहीं है, किसी ने नहीं जाना अज तू रात के बज रहे दो बज रहे नहीं नहीं चलो मैं भी जाना है। उम्मीद नहीं आएगा वापस
पहले मेरा प्लान बना कि एक ही बड़ी गाड़ी करवा के जाते हैं, बाद में इनका मतलब क्या प्लान बना कि दो गाड़ियां मंगवा ली हैं तो उसमें गए हैं। इस टाइम रात के 3 बज चुके हैं, तो जॉग करते 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 ईशा के बाद करते 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 3 बजे अब हम जा रहे हैं वहाँ, क्या नाम है, पाक पर। 3 बजे इनकी वजह से लेट हुआ टाइम, तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ अहमद भट्ट साहब के पास। हाँ भाई, ये पाँच साल अहमद भट्ट, और अभी हम निकलने लगे पाक पतन की तरफ। और ये मेरे पीछे देख सकते हैं आप कितना प्यारा व्यू है रात के इस टाइम। सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, पहले तो बहुत ज़्यादा धुंध हो चुकी थी जिसकी वजह से हम डिले करना पड़ा, और अब हम निकल रहे हैं। ये देख सकते हैं आप सामने स्क्रीन पर, छोटी टाइम भी देख सकते हैं। रात के इस पैर हम कर रहे थे सफर, अचानक ही प्रोग्राम बना। हमारे प्रोग्राम ऐसे बनते हैं। रात के 3:30 बज चुके हैं, बहुत ज्यादा सर्दी है, वो देखें बताए आप सर्दी बता सकता कोई सर्दी नहीं है, ऐसे लगा बस ठीक है, बिल्कुल ठीक हम हो बहुत ज्यादा। वो देखे उधर हो जा, वो बट विंगा आ गया इधर। चलो जी चलो, ये थोड़ा सेट हो, रमीज उल्टी वाले भाई जी। फाइनली हम जो हैं पहुंच चुके हैं, तकरीबन 4:45 हो चुके हैं, तो अब हम दरबार पर पहुंच चुके हैं। तो माशाल्लाह रौनक वगैरह अभी बाजार में है, तो अभी चलेंगे इंशाल्लाह अंदर, हाजिरी देंगे। तो अभी देखते हैं सारे इकट्ठे हो रहे हैं, तो चलते हैं अंदर। इस टाइम हम पहुंच चुके हैं बाजार में, तो ये दिखें दुकानें वगैरह, चक्कर ज़्यादा मिलेगी, शॉप वगैरह खुली सी। दरबार में आ चुके हैं, तो अब एंट्री कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं दरबार के अंदर। मोबाइल जमा करवाने के लेके जाने, मोबाइल लेके जान दे रहे देखो, और उन्होंने वैसे लाया दरबार 10 रुपये।
जी ये माशाल्लाह हाजिरी हो गई है हमारी, तो अब हाजिरी वगैरह देकर अब इंशाल्लाह वापसी का सफ़र होगा। अब भी आए रमीज़ भाई के साथ, सब आए हैं, मैं भी आया रमीज़ भाई के साथ, और रस्ते में सो गए थे ये, रमीज़ भाई उर्फ इधर इधर वजात कर दीजिएगा, रमीज़ भाई उर्फ उल्टीज पराठे खिलाए ना, मेरे तीन चार उल्टियों के साथ सफ़र करने वाले वाहिद भाई, वो जितने इन्होंने पराठे खिला दिए थे ना आते हुए, तो मेरा भाई उल्टी करना बंद था। इसने और इसके छोटे भाई ने ना हमारा तकरीबन आधा घंटा वेस्ट किया, उल्टी नहीं मैंने की लेकिन मैं ऐसे मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, लेकिन अब ठीक है। हाँ जी ओके, पर ये मैं आपको दिखाता चलूँ, आ रहा हूँ बैग की फेस बना किधर किधर वाह फुल चल रही है, फुल ठंडा ठंडा मौसम है, तो सर्दी ओए होए होए होए, अब अभी अगर इधर बारिश हो जाए तो तुम्हारा क्या हाल होगा? कुछ नहीं, अगर अभी इधर इस सेन में बारिश हो जाए माशाल्लाह, ये सेन देखें मस्जिद का ठंड से, तो आप व्यू देखें पहले ठंडे हुए पर ठंड से मजीद हो जाएंगे ठंडे, और क्या होगा, ओ पीछे मस्जिद का व्यू देखें माशाल्लाह, अभी भी रौनक है यहाँ, आलमोस्ट हम पहुँचे थे 4 बजे, पाँच बजे आलमोस्ट पहुँचे, 4:45 पे पहुँचे थे, तो हम आलमोस्ट 5 बज चुके हैं, हम नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं अंदर, तो नमाज़ पढ़ के फिर हम निकलेंगे वापसी के लिए। सारे बाजार हैं यार, इस टाइम तक खुले सारी रात बाजार खुले रहते हैं, वापसी कर।
पीछे आ रहे हैं ओगी। मैं ब्रांड आपको नीचे ये जो आपके पास चादर है ना इसको डालकर आपने छलांग मारनी है, इस चादर को आपने डाल के छलांग मारनी है। चादर खोल अपनी, यहाँ से डाल के नीचे जाना है ऐसे पीछे सुपरमैन बन गए। क्या बात है क्या बात है, नजारा चेक करें इस टाइम हम खड़े हैं रावी के पुल पर। खड़े हो बंदे मेरे यार, सारे खड़े हो, सारे खड़े हो, सारे यार तस्वीर किधर नहीं है। ओए यहाँ से अगर नीचे जाना हो तो फिर यहाँ से कोई धक्का है तुझे। अब बट खुदकुशी करने लगा बट क्यों तेरा कोई गल नहीं है यार, उधर देख लो ओए इतनी दूर हो साल भी ये अच्छी वाली। ओए हो बहुत ज्यादा ठंड है, चलो यार बैठो चलिए। अभी तक सोया वो देव दे काम देव तेन देख एक गाना याद आता कौन सा बिछड़ गया मेरे दिल दा जानी। थोड़ा बेसुरा गाना गा रहे हो आप, बहुत ही बेसुरा, दिल कर रहा है यहीं से दरवाजा खोल के टांग मार के बाहर निकाल। तो ऐसी शक्लें भी मैंने आपको दिखाई हैं, तो इनके लिए लाइक सब्सक्राइब कर देना, भला मुंह पे थप्पा मार के लाइक कर देना पर कर देना। तो जी फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर,
तो आज की वीडियो करते हैं यहीं पर खत्म, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, थैंक यू।